उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए हुडको ने 2900 करोड़ रुपए का यूपीडा को लोन दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे की। इस गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक इसको तैयार किया जाना है और इस गंगा एक्सप्रेसवे को 12 भागों में बांटा गया है और 12 ही जिलों में इस गंगा एक्सप्रेस को होकर गुजरेगा। तो हुडको ने 2900 करोड़ रुपए यूपीडा को लोन दे दिया है गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण करने के लिए। अब हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो यूपीडा की वेबसाइट पर आया है। उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं उसको। उत्तर प्रदेश के लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि क्रिया के लिए यूपीडा द्वारा हुडको से 2900 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया गया है। ये ट्वीट आया है कल रात में, ये ट्वीट आया है और दिन में यूपीडा के अधिकारियों ने मीटिंग की है और 2900 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक हुडको से लिया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है गंगा एक्सप्रेस में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो यूपीडा को जो डेट दी है, टाइमलाइन दिया गया है, 2021 जून के माह में इस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होना है और धनराशि भी सभी को दी जा रही है। सभी जिलों के डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो भूमि अधिकरण इस गंगा एक्सप्रेसवे में होना है, सभी जिले के डीएम को ये कमान सौंपी गई है और एक एक नोडल अधिकारी जो भूमि अधिकरण करेगा वो भी हर जिले के अंदर चयन कर दिया गया है। और अब इस गंगा एक्सप्रेसवे में 12 के 12 जिलों में मेरठ से लेके प्रयागराज तक कार्य चल रहा है और भूमि अधिकरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि काफी जिलों के अंदर, इस 12 जिलों में बहुत सारे जिलों के अंदर, इस जिले के अंदर यूपीडा की तरफ से गजट जारी कर दिया गया है और जो गजट जाने आने के बाद में जो किसान भाइयों की आपत्ति लगाई गई थी उनका निपटारा करने के लिए सभी जिलों के एसडीएम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द इस गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से प्रयागराज तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि 2900 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे यूपीडा को प्राप्त, बहुत ही जल्द यूपीडा की तरफ से हर तहसील के अंदर अलग से काउंटर लगा दिए जाएंगे भूमि के बेनामे करने के लिए। और इस वक्त सरकार का सर्कुलेटों को लेकर भी मंथन चल रहा है। सभी जिलों की उम्मीद लगाई जा रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे में सर्कुलेट किसान भाइयों को बढ़कर मिलेगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप